ये हम लिए हैं तर्रों का छिलका, इनका बनाएंगे सब्जी। तो यहाँ पे इनको हम कट करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कट कर लिए हैं, और इन्हें बनाने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे तेल और लहसुन कटा हुआ, इसके बाद हरी मिर्च। इनको कुछ देर पकने देंगे, और पक जाने के बाद यहाँ पे कटा हुआ तर्रों का छिलका डाल देंगे और इन्हें चलाएंगे। अब इनको कुछ देर ढक देंगे पकने के लिए। तर्रों के छिलका की भुजिया सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए हम ढक दिए हैं पकने के लिए, और कुछ देर के बाद इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार। यहाँ पे हम डाल दिए हैं और मिक्स करेंगे। अब इन्हें पकने के लिए और ढक देंगे ताकि अच्छे से पक जाएं। और ये देखिए कुछ देर के बाद तर्रों के छिलका की भुजिया सब्जी बन करके रेडी है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके शेयर कर दें।